सो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो भाई लोग आप सभी कैसे आए हो? थोड़े बड़े भाई लोग, तो भाई लोग का भाई लेकर तो नया वीडियो जिसमें भाई आज होने वन वर्स वन, वो भी प्रियांशु के साथ। ठीक है, तो इसके पहले बहुत सारे गेम में प्रियांशु खेला हुआ है, जिसका एक वीडियो पड़ा हुआ है एनजी एंजल के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है। तो भाई लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन सेट कर देना, क्योंकि भाई कस्टम कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए सामने बंदा आ चुका है, और भाई अभी तो मुझे मिला है डिजर्ट ईगल। तो देखते हैं क्या हम डिजर्ट ईगल से बंदे को मार पाते हैं फिर नहीं, या फिर बंदा हमें मारता है। और भाई बंदा तो मेरा सो गया यार, मतलब गेम में स्टार्ट नहीं, मतलब बंदा सोना चालू कर दिया, मतलब मेरा कैरेक्टर सो गया था और मेरे सामने बंदा आ चुका है। मतलब इतना गोली मारा, अभी तक बंदे के बॉडी पर एक भी गोली टच तक नहीं किया, और भाई ये भी गोली मिस। मतलब अभी तक मुझे लगता है कि 7-8 फायर कर चुका हूँ मैं, बट सारे फायर में अभी तक एक भी गोली नहीं लगाया बंदे को, ना ही बंदे ने मुझे डैमेज दिया। और सबसे देखते हैं मतलब इस राउंड को, मतलब जीतता कौन है, सबसे इंटरेस्टिंग बात किया है हमारे लिए। और भाई इतना गोली मारा, मतलब अभी तक भाई 10-15 गोली तो चला ही चुका हूँ, बट अभी तक बंदे को एक भी डैमेज नहीं पड़ा है, एक डैमेज तक नहीं पड़ा। और भाई मैं यहाँ पे थोड़ा खेल नहीं पा रहा हूँ सही से, पता नहीं हेड वगैरह भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना भाई ट्राई किया अभी तक हेड नहीं लगा। और यहाँ पे देखते हैं बंदा कहाँ गया, भाई बंदा सामने तो घूम रहा है, बट अभी निकल के मारते हैं। और भाई क्या तगड़ा हेड मारा, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया था, क्योंकि मैंने ग्लू लगाया नहीं था, और बीच में ऐसे ही सोचा कि लग जाएगा, लेकिन लगा तो था नहीं। बट देखते हैं, एक राउंड तो हम हार चुके हैं, और इस राउंड में हमें मिला है UMP। तो अब मुझे लॉन्ग रेंज में नहीं खेलना है, क्योंकि मुझे UMP मिला है, UMP लॉन्ग रेंज की गन है ही नहीं, मुझे शॉर्ट रेंज में खेलना चाहिए, तो इसीलिए मैं शॉर्ट रेंज में जा रहा हूँ। और देखते हैं बंदा तो भी शॉर्ट रेंज में आ रहा है, तो चलिए फाइट करते हैं, देखते हैं क्या। तो भाई सामने बंदा दिख चुका है, 18 का डैमेज पड़ा है बंदे को, और बंदा मुझे लगा कि एलिमिनेट होगा, नहीं तो फिर भाई जोन से उसका कुछ HP जरूर गया होगा, क्योंकि भाई एकदम वो जोन के साइड चला गया था। बट देखते हैं क्या होता है, भाई बंदा तो सामने है, और भाई बंदा काफ़ी तगड़ा वन टैप मार रहा है, इसलिए हमें बंदे से थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाई अगर लॉन्ग रेंज में खेलेंगे तो बंदा वन टैप मारेगा, इसलिए हमें लॉन्ग रेंज में बिल्कुल भी नहीं खेलना है। अगर हम लॉन्ग रेंज में थोड़ा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो भाई बंदा हेड मार देगा तुरंत। तो चलिए फटाफट से मुझे लगता है कि रश कर देना चाहिए, क्योंकि बंदे को बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही पड़ा था, अभी भी कुछ डैमेज दे दिया है मैंने। तो देखते हैं क्या बंदा मार पाता है कि नहीं, यहाँ पे बंदा तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, अगर बंदा निकलता तो फिर हम मारते उसे। अरे यार क्या हेड, मतलब भाई साहब एकदम OP तगड़ा हेड मारा, और भाई देखो कितना जल्दी रश करने के लिए आ रहा है, बट देखते हैं क्या हम उसे मार पाते कि नहीं। और यहाँ पे भाई बब्बे यार क्या मारा बे, कितना HP बचा था भाई इसका, देखे ओ यार 53 HP बचा था, मतलब बंदा केवल 2 से 3 गोली का था, मतलब इतना मैंने उसे डैमेज दिया। बंदा तो काफ़ी तगड़ा हेड मारा था, क्योंकि भाई जितने देर मैं मेडिकेट कर रहा था, अगर मेरा HP नहीं गया था तो शायद मैं उसे मार देता, बट मैंने मेडिकेट मैंने किया था, और उस मेडिकेट से मेरा HP पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मेरा मतलब HP पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं ख़त्म हो गया। बट देखते हैं 2 राउंड तब हार चुका है, और भाई बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा है, मुझे तो नहीं लगा था इतना अच्छा खेलेगा, बट भाई बंदा काफ़ी अच्छा खेल रहा है। और देखते हैं इस राउंड में क्या होता है, भाई बंदा तो सामने आ चुका है, और भाई मुझे मतलब लॉन्ग रेंज में फाइट बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर लॉन्ग रेंज में फाइट करूँगा तो फिर भाई मैं मतलब गेम जीतने का उम्मीद खो सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं लॉन्ग रेंज में फाइट नहीं करना है, क्योंकि भाई बंदा ओ भाई हेड लगा, कितने का हेड लगा मैंने देखा नहीं, बट भाई बहुत तगड़ा हेड लगा, और मुझे लगता है कि बंदे के ऊपर रश करना चाहिए, क्योंकि भाई बंदे का बहुत कम HP बचा है, भाई रेड नंबर था लगता है 105 का हेड लगा था, ये फिर 97 का मैंने ध्यान से देखा नहीं। तो भाई देखते हैं क्या होता है, बंदा तो पैक कर ले, इसलिए मुझे भी पैक करना पड़ेगा बंदे को, क्योंकि भाई मेरे पास एक ही उपाय, ग्लू तो तोड़ नहीं सकते भाई साहब, बंदा निकल गया है, मतलब मैंने गलती जगह पे ग्लू को मतलब लगा दिया था, बंदा तो पहले से ही निकल चुका था। और यहाँ पे देखते हैं, और भाई क्या है, मतलब एक हेड वहाँ पे स्टार्टिंग में लगा और लास्ट में भी एक हेड लगा, तो भाई कैसे कैसे तो हम अपना पहला राउंड जीत चुके हैं, और भाई बंदा तो अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा है, क्योंकि भाई बंदा अच्छा खेल रहा है फिर तभी तो 2 राउंड जीत गया ना। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है, हम मतलब मैंने वुडपिकर लिया हुआ है, और वुडपिकर से देखते हैं मुझे मतलब भाई मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब कुछ बोल नहीं सकता, इतना मतलब मैं किया कि मतलब बोल नहीं सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बंदा तो वन टैप का एकदम मास्टर लग रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा सा ये मौका मिल रहा है बंदे को तो बंदा तुरंत मुझे हेड मार दे रहा है। और यहाँ पे मैंने बंदे को अभी वुडपिकर से मारा था, तो सोचा शायद बंदे का HP कम होगा तो मुझे रस कर, और भाई फिर से बहुत तगड़ा डैमेज पड़ चुका है, मतलब यार बंदे का लगता है कि बस 100 से नीचे HP होगा, कितना भी होगा लेकिन 100 से नीचे HP होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने 50+ डैमेज दिया रूट पिकर से, और भाई बंदा हो चुका है ख़त्म। तो भाई अब जाके हमारा गेम प्ले एकदम इक्वल हुआ है 2:2 का, और भाई यहाँ पे बहुत समय समय बंदे को खोज रहा हूँ बट बंदा दिख नहीं रहा, वो इसीलिए मैं पूरा अभी तक मैप घूम रहा हूँ, और देखते हैं कितने समय बाद बंदा मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई साहब बंदा तो दिख चुका है, और यहाँ पे अबे भाई साहब क्या हेड मार रहा है, मतलब भाई कतई जहर वाला हेड मार रहा है भाई, इतना तगड़ा हेड पड़ रहा है मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कितना जल्दी हेड मार दे रहा है। तो अभी मैं UMP से स्कोप ऑन करके मारे जा रहा हूँ, तब तक भाई बंदा आके मार दे रहा है।
और यहाँ पे फिर से मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुका है, देख सकते हैं आप लोग, मतलब डैमेज तो 137। और भाई दो हेड पड़ा 105 105 का, मतलब बंदा जंप किया और जंप में ही हेडशॉट खा गया यूएमपी से। तो भाई ये मतलब अगर हेड आपको अच्छा लगा होगा तो भाई इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, और भाई कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और भाई अगर चैनल पर हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं गेम पे क्या होता है भाई। अब मेरा गेम प्ले एकदम इक्वल हो चुका है, 3:3 का गेम प्ले हो चुका है, और भाई मुझे भी 4 राउंड जीतना है और बंदे को भी 4 राउंड जीतना है, ठीक है। तो बंदे को पड़ चुका है डैमेज, इसलिए मैंने किया गुलवाल से पैक, क्योंकि गुलवाल तो हम तोड़ नहीं सकते, तो गुलवाल से पैक कर दिया हूँ। और बंदा निकल भी चुका है, मतलब निकल तो चुका नहीं, निकलने वाला था लेकिन निकला नहीं, और देखते हैं कितना समय लगता है बंदे को निकलने के लिए। और भाई जो बंदा अभी तक मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किए भाई लोग, मुझे इंस्टा फॉलो करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरे यूजर नेम है Nitin Gaming 100, ठीक है। और मेरा फेसबुक ग्रुप भी जिस लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो भाई लोग फेसबुक ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई बंदा कितना समय लगाएगा यार निकलने में, यार इतना लेट कौन लगाता है, मतलब बंदा को तो ऐसे भी जाना था वैसे भी जाना था, फिर भी बंदा लेट किया जा रहा था, मतलब थोड़ा पहले ही निकल गया था, थोड़ा जल्दी गेम खत्म हो गया था, मतलब बंदा तो समझता नहीं है, वो सोचा कि मार देगा बट उसके बस का तो था नहीं। तो भाई देख सकते हैं आप लोग, अब जाके मेरा मतलब 1 राउंड आगे निकल चुका है मैं बंदे से, अभी तक तो मैं बंदे से काफ़ी पीछे था, पहले 2 राउंड फिर गेम को इक्वल किया, और फिर अब जाके मैं 1 राउंड बंदे से आगे निकल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं इस राउंड में क्या होता है, सामने बंदा है और यहाँ पे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ मारने का, बट भाई उडपिकर से हेड नहीं लग रहा है, और यहाँ पे अभी तक तो 3 से 4 गोली फायर किया था मैंने, बट एक गोली अब जाके लगा, पांचवा या मतलब छठा गोली अभी जाके लगा, जो भी 61 का हेड लगा। और देखते हैं कितना टाइम लगता है बंदे को मारने में, यार बंदा कहाँ गया यार, अबे भाई इतना मतलब भूल भुले वाला गेम खेल रहा है, अभी मैंने इसे डैमेज और अभी ये वहाँ से यहाँ चला जाए इतना जल्दी, मैं सोच रहा था अभी उधर से आएगा। और भाई ऐसे मेडिकिट कौन मारता है यार, कम से कम पैक तो कर लेता सही से, भाई मेडिकिट मार रहा है पैक तो किया नहीं है, बट देखते हैं यहाँ पे 5 राउंड हम जीत चुके हैं और अभी हमें केवल 1 ही राउंड जीतना है। तो बंदा सामने आ चुका है और देखते हैं भाई इस राउंड में बंदे को मार पाते हैं कि नहीं। अबे ग्लू नहीं लगा भाई साहब, क्या ग्लिच है यार, इतना मस्त मैंने ग्लूवाल फेंका था भाई, ग्लूवाल तो लगा ही नहीं, यार भाई ग्लूवाल नहीं लगा इसलिए मुझे हेड पड़ गया, नहीं तो भाई मतलब बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ भाई, मतलब गेम को मैं जीत रहा था भाई, 6 राउंड हो गया था मेरा, बट भाई थोड़ा मिस्टेक के कारण बंदा 1 राउंड जीत गया। और भाई अब यहाँ से मैं बहुत सीरियस खेलने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैं बहुत पहले ही मैच को जीतने वाला था, बट अभी तक तो थोड़ा मतलब ग्लू नहीं लगा, ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम हुआ, और इसके कारण बंदा 4 राउंड जीत चुका है। और यहाँ से अब मैं मतलब अपना 100% दूंगा, क्योंकि भाई बंदा यहाँ से 1 भी राउंड ना जीते और यहाँ से मैं आसानी से मैच को जीत सकूँ। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, अभी तक तो बंदा मतलब बंदे को अभी 3 राउंड जीतना है और मुझे 2 राउंड जीतना है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या मार पाते हैं या फिर नहीं, या फिर कितना टाइम लगता है। और भाई बंदा तो इतना इधर उधर घूम रहा है कि समझ भी नहीं आ रहा है किधर से जाऊँ, क्योंकि भाई जिधर जा रहा हूँ उधर से बंदा निकल जा रहा है तुरंत, और भाई बंदा खोजने में टाइम लग जा रहा है मुझे। और भाई बंदे को पड़ चुका है बहुत ज़्यादा डैमेज, बट देखते हैं क्या, तो भाई फिर से डैमेज पड़ा, मतलब इतना डैमेज खाने के बाद भी बंदा मर नहीं रहा, पता नहीं कितना अनलिमिटेड HP लेके आया है क्या भाई। यहाँ पे अब तो पैक कर लिया बंदे ने, अब बंदा पैक कर ले तो मुझे पैक करना पड़ेगा उसे, क्योंकि भाई ग्लू तो तोड़ नहीं सकते, तो एक ही चारा है हमारे पास, तो ग्लू से मैंने किया पैक। और देखते हैं बंदा मेडिकेट करके ही निकलेगा, विदाउट मेडिकेट किए तो निकलेगा नहीं, विदाउट मेडिकेट के निकलेगा तो फिर भी मारा जाएगा, और भाई मेडिकेट करके निकलेगा फिर भी मारा जाएगा, मतलब दोनों कंडीशन है बंदे को मरना है। अगर बंदा मार दिया तो फिर भी 2 HP पड़ा, सॉरी 2 गोली पड़ा भाई, 2 गोली क्या यार, अनलिमिटेड गोली पड़ गया बंदे को। तो देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे बंदा फिर से ग्लू में हो चुका है पैक, और भाई इतना पैक हो रहा है यार मुझे तो, मतलब मैं खुद परेशान हो गया इसे पैक करते करते, बंदा तो परेशान नहीं हुआ पैक होते होते, बट मैं पैक करते करते परेशान हो गया। और यहाँ पे देखते हैं भाई, अरे शॉटगन चला रहा है भी, मतलब यार ग्लू नहीं लगा तो फिर मेरा मतलब मैं ख़त्म था। और भाई फिर से बंदा पैक कर ले, मतलब इतना पैक किया पूछो मत। और यहाँ पे मेडिकेट ले लेते हैं क्योंकि HP कम है। और भाई ये क्या था भाई, मतलब एक गोली वो भी हेड, मतलब बंदा यहाँ से निकला नहीं कि एक गोली पड़ा वो भी हेड ही पे गया, मतलब भाई साहब कमाल का था। तो भाई लोग एक बार फिर से लास्ट बार बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लोग सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर अथवा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर सेट कर लेना। और भाई अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो भाई वीडियो को शेयर कर देना, और कमेंट करके तो ये बता देना भाई वीडियो कैसा लगा, मतलब वीडियो में मतलब आपको कुछ ख़राब भी लगा वो भी बताना, अच्छा लगा वो भी बताना, ठीक है, मतलब कमेंट कर ही डालना। और भाई फिर से बंदे को पड़ चुका है डैमेज और बंदा पैक हो चुका, मतलब इतना पैक हुआ भाई गेम में, इतना पैक हुआ भाई, मतलब मैं पैक करते करते थक गया लेकिन बंदा पैक करते करते नहीं थका।
और भाई बंदा मतलब निकलने का वेट करते हैं, ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा, और ग्लू तो खुल चुका है, और भाई फाइनली बंदा हो चुका है ख़त्म। तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं बंदा इतना पैक किया, बंदा तो पहले काफ़ी अच्छा खेला था वन टैप, लेकिन मैंने थोड़ा दिमाग से खेला गेम और भाई हम जीत चुके हैं 4-7 गेम। तो भाई लोग आई होप आप लोग वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो थोड़ा भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।